नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है टेक्सुमो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाईसेंस के 4K टीवी के बारे में। E6N इसका मॉडल है और इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। कैसा 4K टीवी है ये, कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी है, साउंड टेक्नोलॉजी कौन सी है और साथ ही कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको नॉर्मली वैसे बता दूं, ये गूगल टीवी है, बट लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट इट। चलिए इसके बारे में और जानते हैं दोस्तों। ये E6N मॉडल जो हाईसेंस का 4K टीवी है, AI टीवी है, यानी कि इसमें जो प्रोसेसिंग है वो AI के थ्रू है, कलर्स की लगा लीजिए और साथ ही साउंड से भी। यानी कि इसमें जो 4K अपस्केलिंग है वो AI अपस्केलिंग है, यानी कि 4K का AI अपस्केलर इसमें यूज किया गया है, जिसकी हेल्प से काफी अच्छे कलर्स निकल के आते हैं। आपने देखा होगा जब हम AI से इस तरह की कोई प्रोसेसिंग करवाते हैं तो उसमें एरर थोड़े से कम हो जाते हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गूगल टीवी है, तो आप इसमें हे गूगल बोलकर अपने प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। अब ये गूगल टीवी है तो इसका बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, गूगल का बहुत ही प्यारा एक ऑर्गेनाइजर, एक सर्च सिस्टम। यानी कि आपके पास जब मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं और उनमें आप कोई अपना पसंदीदा शो देखना चाहते हैं, कोई पसंदीदा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो वो सर्च है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है गूगल में। गूगल टीवी काफ़ी अच्छे से उनको सर्च करके और ऑर्गेनाइज वे में आपको प्रोवाइड कराता है। यानी कि आपका जो मूवीज़ या शोज़ का, फेवरेट शोज़ का एक्सेस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, हैसल फ्री हो जाएगा, सर्च करना इजी होगा। और ये नहीं है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कहीं कहीं प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, उनको सबको ऑर्गेनाइज कर देगा, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके आपको इकट्ठा दिखा देगा। अब अगर कलर फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छी कलर फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो आपको प्रोवाइड करती है हाईसेंस की प्रिसीजन कलर टेक्नोलॉजी। ये जो प्रिसीजन कलर टेक्नोलॉजी है, ये ब्रिज करती है गैप बिटवीन रियलिटी एंड आर्ट। मतलब कि पिक्सल टू पिक्सल लेवल पर कलर मैनेजमेंट, एक तरह से मानिए कि आपको कलर्स की जो पूरी आपकी वीडियो या पिक्चर में जिस तरह की कलर फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो एक्चुअल सीन आप अपनी आंखों से अगर देख रहे होते हो उस सीन को, तो उसी तरह से पिक्चर को और वीडियो को कलर फॉर्मेशन, बेटर कलर फॉर्मेशन और डेप्थ के साथ प्रॉपरली ह्यू मैनेजमेंट करके, टेक्सचर्स मैनेजमेंट करके आपको ये दिखाता है स्क्रीन पर। और दोस्तों, इस टीवी में आपको मिलता है फिल्म मेकर मोड, जो आपको हेल्प करता है, जो एक्चुअली जिस तरह से शूट की गई थी वीडियो, जिस तरह से उस वीडियो को प्रोड्यूस किया गया था, यानी कि उस वीडियो या मूवी को जिस तरह से प्रोड्यूस किया गया था, जिस फ्रेम रेट पर, जिस तरह की पिक्चर क्वालिटी, जिस तरह की सेटिंग्स के साथ, एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स, यानी कि जैसी प्रोडक्शन हाउस से निकलकर वो चीज़ आई, एग्जैक्टली उसी लेवल पर, उन्हीं सेटिंग्स के साथ फिल्म मेकर मोड में आप उसको देख सकते हैं। यानी कि जो रियल चीज़ बनी थी ना, वो आपके टीवी पर प्ले होगी। अब इतना कुछ है तो साउंड भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो साउंड की बात करें तो आपको इसमें मिलता है डॉल्बी ऑडियो और साथ ही मिलता है DTS:X, यानी कि डॉल्बी का तड़का। जहां पर हम बात करें मल्टीपल डिफरेंट, आजकल जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, मल्टीपल डिफरेंट ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, इस तरह से मल्टीपल डिफरेंट जो ऐप्स हैं, क्या सबके साथ कंपेटिबिलिटी हमारे कंटेंट की, हमारे इस टीवी की होगी, उसके लिए आपको मिलता है यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो, जो कि कंपैटिबल है मोस्ट ऑफ द न्यू फॉर्मेशंस के साथ। यानी न्यू जितने भी प्रोडक्शंस हैं उनके साथ काफ़ी हद तक कंपैटिबल डॉल्बी रहता है। साथ ही DTS:X आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आपके ट्रेडिशनल, आपका पुराना कोई भी ऑडियो सिस्टम है या फिर आपका ट्रेडिशनल कुछ भी आपके पास ऑडियो का हार्डवेयर है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने में DTS काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोनों ही आपको इसमें मिलते हैं, जिससे आपको मिलती है आपके एग्जिस्टिंग जो भी ऑडियो सेटअप्स हैं उनके साथ आपके टीवी की कनेक्टिविटी का ऑप्शन, और साथ ही नए फॉर्मेट्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्शन, न्यू एप्स जितने भी प्रोडक्शन कर रही हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी के लिए आपको मिलता है इसमें डॉल्बी। और ये तो आप जानते ही होंगे कि DTS और डॉल्बी दोनों का ही एम रहता है सराउंड साउंड प्रोवाइड करना। DTS काफ़ी हद तक एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ भी आपको अच्छा सराउंड साउंड प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। यानी कि आपको सराउंड साउंड, यानी कि हेड फायरिंग, लेफ्ट राइट फायरिंग, स्पीकर्स टाइप किसी फीलिंग आपको प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है टीवी के थ्रू। और साथ ही डॉल्बी, सिमिलरली डॉल्बी भी एक सराउंड साउंड, यू नो, एटमॉस्फियर क्रिएट करने में हेल्प करता है, थिएटर लाइक एटमॉस्फियर। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज आपको इस टीवी में मिलती हैं। अब आप अगर हैं गेमिंग के शौकीन तो ये टीवी आपको देता है अल्ट्रा लो लेटेंसी और साथ ही 60Hz का रिफ्रेश रेट। इसके साथ में आपको और भी मिलता है जो है MEMC, यानी कि मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपेंसेशन, जिसकी हेल्प से आपके मूविंग जो सीन्स हैं उनमें काफ़ी हद तक कंपेंसेटेड फ्रेम आपको मिलेंगे, जिससे कि
जो ग्लिच एक ब्लर फील होता है मोशन में वो नहीं फील होगा और एक मोशन की स्मूथनेस आपको इस टीवी में देखने को मिलेगी, जिससे मूविंग सीन्स जो भी आपके इसमें होंगे, फास्ट मूविंग गेमिंग सीन्स लगा लीजिए, गेमिंग वीडियोस लगा लीजिए, या फिर गेम खेलने के दौरान या फिर वीडियोस प्ले करते टाइम जो फास्ट मूविंग सीन्स होंगे उनमें जो मोशन के दौरान एक ग्लिच आता है, जो एक शेड पीछे छोड़ता हुआ जाता है ऑब्जेक्ट, वो नहीं रहती है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है MEMC जो पूरी तरह से मोशन को एस्टिमेट करके कंपेंसेट कर देता है। और अगर हैं आप शौकीन स्पोर्ट्स देखने के तो ये टीवी आपको देता है AI स्पोर्ट्स मोड, जिसमें AI के थ्रू स्पोर्ट्स के दौरान जिस तरह की एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के दौरान एक ब्रॉडकास्टर के थ्रू जो पिक्चर या वीडियो आपके पास आती है उसको किस तरह से कंपेंसेट करके बेस्ट व्यूइंग सेटिंग में आपको दिखाना है, वो सब यहाँ पर मैनेज करता है AI, और जिसकी हेल्प से आपके टीवी पर बेटर क्वालिटी ऑफ दैट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट और द वीडियो विल बी प्लेड, इसलिए इसमें दिया गया है AI स्पोर्ट्स मोड। दोस्तों, क्योंकि एक स्मार्ट टीवी है तो कास्टिंग है बड़ी ही आसान, आपके फ़ोन पर जो कुछ प्ले आप कर रहे हैं एक टैप के थ्रू आप सीधा टीवी पर कास्ट कर सकते हैं, है ना, वेरी इजी। अब जब हमने कास्टिंग की बात की तो हम कनेक्टिविटी में एक स्टेप और ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने हेडफोन के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अकेले उस वॉइस को सुनना और टीवी पर जो प्ले होती है, जैसे आप लेट नाइट अगर कोई शो वॉच कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और नहीं चाहते औरों को डिस्टर्बेंस हो, तो ब्लूटूथ से अपने हेडफोन को कनेक्ट करके कंटिन्यूसली आप वॉच कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स इट ईजी फॉर अदर्स। अब हमारा ये टीवी आता कितने रुपए का है? लगभग 24,000 रुपए में 4K का इतना अच्छा टीवी आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको लेटेस्ट ऑफर के साथ चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार चेकआउट कर लेना, मे बी आपको बेटर डील में और भी सस्ता उस टाइम पे मिल जाए। और दोस्तों, इस टीवी में आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह सब कुछ मिलता है, क्योंकि स्मार्ट टीवी है, मल्टीपल एप्स की एक्सेस आपको मिलती है, ऑलमोस्ट सभी टीवीज में ये सब मिलता ही है, इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा ये सब हर टीवी के लिए एक्सप्लेन करना। बट हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली वो है इसमें 2 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पर मिलती है, है ना अमेजिंग। तो दोस्तों, अगर आप ये टीवी बाय करना चाहते हैं एक बार लिंक पर चेकआउट जरूर कर लेना बेस्ट ऑफर के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर मुझे पूछना अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो जरूर बताना। दोस्तों, किसी और टीवी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि मुझे इतने रुपये तक के बजट तक का टीवी कोई खरीदना है, कोई सजेशन चाहते हैं, तो कमेंट कर देना नीचे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में, नमस्कार।